हेलो बच्चों, कैसे हो? नाइन्थ क्लास में पाठ नंबर 4 है हिंदी का, कैदी और कोकिला। व्याख्या चल रही है, पार्ट 1 हो चुका। पार्ट नंबर 2 देखिए, पैरा नंबर 2। कोयल से जो रात्रि में कूक रही है, जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कवि माखनलाल चतुर्वेदी पूछ रहे हैं, कहते हैं क्या, क्यों हूक पड़ी? हूक होती है पीड़ा में चीख चीखना, वेदना बोझ वाली सी। यहाँ उपमा अलंकार है। हे कोकिला, हे कोयल, तू क्यों अचानक बोझ वाली वेदना सी लिए हुए हुक यानी हुक रही है, चीख रही है? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो तुम, क्या लूटा तुम्हारा जो है, किसी ने क्या लूट लिया है? मृदुल वैभव की रखवाली सी, जैसे बहुत ही कोमल संपत्ति की तुम रखवाली हो, क्योंकि देश की अस्मिता, देश का अस्तित्व और देश की स्वतंत्रता जिस जो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, दुश्मन प्रबल है और देशवासी अशिक्षित, गरीब, भूखे और असहाय हैं, तो तेरी पूरी संपत्ति एक बहुत ही मृदुल है, कोमल है, जिसकी तू रखवाली बनी हुई है, जिसको बचाने के उपाय बहुत कम हैं, इसलिए मृदुल वैभव की रखवाली सी उसे कहा है। कोकिल बोलो तो, और कहता है क्या हुई बावली, क्या तू बावली हो गई है? तो प्रश्न अलंकार आप देख रहे हो, संबोधन शैली भी है और उपमा अलंकार भी है। अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात में तू चीख रही है, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ ऐसा क्यों है? किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम्हें किस दूर फैली हुई दावानल की ज्वालाएं, जंगल की आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, तुम बोल क्यों नहीं हो? यानी कोई न कोई रहस्य तुम्हारे रात को कूकने में ज़रूर है, न जाने कौन बहुत बड़ी क्रांति पैदा होने वाली है, न जाने कौन बहुत उथल पुथल होने वाली है, जिसका संदेशा तुम लेकर के आई हो। तरह तरह की आशंकाएँ कवि के हृदय में आ रही हैं और वो बार बार पूछता है, हे कोयल, हे कोकिल बताओ तो कि तुम क्या संदेशा लेकर के आए हो, क्या अनहोनी होने वाली है जिसको तुम चीख चीख कर सुनाना चाहती हो मुझे। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो है स्वर मैत्री आप देख रहे हो, स्वर मैत्री पूरे पैरे के अंदर है। बाकी विशेष मैंने आपको बता दिए हैं, काव्य शिल्प प्रसाद गुण है। वैसे तत्सम तद्भव शब्द भी काफ़ी मात्रा में इसमें मिलते हैं, तो तत्सम तद्भव शब्दों का बहुत अच्छा सामंजस्य है इसके अंदर है। आगे कहता है, जंजीरों का गहना, रूपक अलंकार है, जंजीर रूपी गहना, कहता है कवि कि मेरे हाथों में जो जंजीर रूपी गहना है, क्या तुझे वो दिखाई नहीं देता? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ क्यों, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत आतताई और क्रूर हैं और दमनकारी हैं, वो उसी व्यक्ति को पहनाते हैं हथकड़ियाँ जो देश और राष्ट्र के लिए भक्ति करता है, समर्पण करता है, त्याग करता है, इसलिए ये गहना है। कोल्हू की चरक चूँ जीवन की तान, यहाँ लक्षणा सब शक्ति भी है क्योंकि प्रतीकात्मक है भाषा। कोल्हू की चरक चूँ जीवन की तान है, यानी अब तो कोल्हू चलाना पड़ता है, कोड़े मार मार कर यातनाएँ दे देकर यहाँ पर काम करवा जाता है, और उस कोल्हू की चरक चूँ ही जीवन की तान बन गई है, जीवन का संगीत बनी हुई है। गट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, और हाथों की जो गट्टियाँ हैं उनके ऊपर, सॉरी जो हथौड़ा है उसकी जो गट्टियाँ हैं उनके ऊपर उंगलियों के निशान अपने आप में गान प्रकट कर रहे हैं। मुँह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और अपने पेट पर जुआ लगा करके मैं मोट खींचता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ये सिर्फ जुआ नहीं खींचता, बल्कि मैं अंग्रेज़ों के अहंकार और घमंड का कुआं खाली कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के सामने हार न मानना, अंग्रेज़ों के बताए अनुसार कायरता पूर्ण स्वीकृति न करना और अंग्रेज़ों का विरोध करना, आज़ादी के लिए लड़ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इनसे देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है और अंग्रेज़ों की ताकत का घमंड चूर चूर हो जाता है। तो कहता है, मैं ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे सखी, हे कोयल, तू रात में इसलिए मेरे ऊपर कूक कर
गजब ढा रही है, मेरी पीड़ा याद दिला रही है, क्योंकि दिन में तो करुणा नहीं जगती। कहने का अभिप्राय यह है, खुशहाली के समय में तो व्यक्ति कष्ट भी झेल लेता है, लेकिन जब उसका अपमान होता है, अंधकार होता है, जब उसके साथ सब तरफ से अत्याचार हो रहा होता है, ऐसे में छोटे छोटे दर्द भी बड़ी पीड़ा में बदल जाते हैं, जैसे कि रात्रि के अंधकार में बहुत ज़्यादा करुणा पैदा हो जाती है। इसलिए ये दौर जो परतंत्रता का है, इस परतंत्रता के दौर में छोटे छोटे ताने भी बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं। शायद इसीलिए तुम इस गुलामी के दौर में मुझे चिढ़ाने के लिए आई हो कि क्या तुम्हारे इस आंदोलन से स्वतंत्रता मिली, तो इस तरह से तुम मुझे पीड़ा में और पीड़ा देने के लिए आई हो। व्यंग्य शैली है, व्यंजना सब शक्ति भी आप इसमें लिख सकते हो, और बाकी विशेष जैसे मैंने पहले बताए थे रूपक अलंकार भी हैं, और इसके अतिरिक्त जो है व्यंग्य शब्द है, प्रश्न अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, छंद मुक्त रचना है, खड़ी बोली भाषा है।